किशोर अरे नहीं तो रही जी बाजनी थरो मतीना कमा जे नूर जननी जने तो चार जने तू मत जन जे चालीस विचारू रण में जूझता विचारू हे चालीस मेवाड़ धरती रा बड़ा ही सुंदर कलमकार कवि माधव जी दर्ग बड़ी सुंदर रचना लिखी बोले कि जननी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर अरे नहीं तो रही जे बांझणी थारो मती गमा जी नूर। वाइब्रो को चालू के पिंटू पे हल्का हल्का बोले कि जननी जन तो चार जन तू मत जन जे चालीस वे चारों ही रण में जूझता वे चारों ही है चालीस एरा सपूत बेटा ने जन्म दे जे जो थारो जमारो सुधार दे उन माँ ने कियो है क्योंकि कपूत भी एड़ा बहुत है जो माँ बाप ने दिल दुखावे माँ बाप ने खून रा आंसू रुलावे बोले कि हो जाए पूते कपूत मूंग छाती पर दड़ता हो जाए पूत कपूत मूंग छाती पर दड़ता अरे गलत ख्याल है लोगो बिटू सीनाम नहीं चलता क्योंकि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने भक्ति में नाम कमाया उस मीरा के औलाद नहीं फिर भी अमर नाम कमाया। बोले कि हो जाए पूत कपूत मूंग छाती पर दड़ता अरे गलत ख्याल है लोगों सिर्फ बेटों से ही नाम नहीं चलता क्योंकि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने भक्ति पे नाम कमाया और उन मीरा रे तो औलादी को नहीं थी फिर भी सारे जग में नाम कमायो वा मीरा मेड़ तनी। तो आइए बड़ी सुंदर रचना आपके बीच सभी लोग मेरा साथ देंगे। हल्दी घाटी में सबर लड़ो हल्दी घाटी में सबर लड़ो वो चीत किरू सवार कटे हे मायड थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा परताप कठे। मैं चाहती हूँ सभी के दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के लिए हल्दी घाटी में सबर लड़ो वो चेतक की रो असवार कटे मायड थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा परताप कठे। वोल्टेज कम आ रहे क्या इसमें? हेलो कवि माधव जी दर्ग बोले मैं बाचो है इतिहास। कवि माधव जी दर्ग लिखे कि पहला ऐड़ा शूरवीर विया जो इन देश रे आजाद करा वास्ते आपने प्राणों रो त्याग दियो एरा शूरवीर होया तो बोले आपरी मां रो दूध नी लजायो। मैं बाचो है इतिहास में मायड़ ते एड़ा पूत जण्या थन पान लजायो नी थारो
चरण धीरा वे सिरदार बना झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री से नारे आगे विधवा सूरज में वाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कटे मायण थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे बहुत ही सुधार हुआ है, एक नई लहर चली है, एक नई हवा चली है, लेकिन तो भी ए पाकिस्तान वाला ए चीन वाला नहीं मोने रिया है। बोले आज तीसरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया ए पाकिस्तानी घुस बैठा ए चीन वाला घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया भारत रावीर जमाना थे भारत रावीर जमाना थी वानिया सब की सिखा दी जो हम भारत माँ के औलाद है। कौन कौन भारत माता से प्यार करता है एक बार दोनों हाथ उठाए मेरे साथ में। जिसके हाथ नीचे होंगे मैं समझूंगी पाकिस्तान और चीन से है वो। सभी के दोनों हाथ ऊपर। कैमरामैन भाई साहब आप पाकिस्तान से आए क्या? और साउंड वाले भैया आप पाकिस्तान से आए हो क्या? तो दोनों के हाथ सभी के हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली बोल भारत माता की। मैं भारत माता के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी उस पाकिस्तान वालों से कि ए पाकिस्तान मैं एक दिन जीत करके जंग का मैदान ले लूंगा। ए पाकिस्तान मैं एक दिन जीत करके जंग का मैदान ले लूंगा। मेरे पास भी ताकत है मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे तेरी तो निगाह सिर्फ एक कश्मीर पर है और अगर मैं जीत पर आया तो पूरा पाकिस्तान ले लूंगा। सभी की तालियां होनी चाहिए। भारत माता की बात चल रही है और दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि गीत वंदे मातरम के गा रही हूं मैं गीत वंदे मातरम के गा रही हूं मैं माँ भारती के दर्द को बतला रही हूं मैं।
अरे सार मेरे संगीत का कुछ शेष रहना चाहिए और हम रहे या ना रहे हमारा देश रहना चाहिए। बोल भारत माता की। भारत रावीर जवाना थे। तालियों की आवाज होनी चाहिए सभी की, दोनों हाथ उठा के। भारत रावीर जवाना थी वाने आ सबके सिखा दी जो ते हो प्रताप राही वंशज वाने आ बात बता दी जो। ए मा यड़ थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। जय हिंद जय हिंद। आइए अब क्या सुनेंगे आप आगे बोलो। चला और हाँ
खेतेश्वर भगवान का। हाँ ठीक है, पक्का पक्का। चाह पियो, साहब साहब।